पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत से सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक मांगते हैं नमाज में, इदिन सिरातल मुस्तकीम में अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा है ना। और कोई भी शख्स का कोई भी बंदा जब सच्चे दिल से तौबा इस्तगफार करता है तो ये सारी गलतियां गुनाह धुल जाते हैं। पता है कैसे, जैसे कपड़ों को धोते ना अच्छी तरह निचोड़ के, या बर्तनों को मांजते हैं राख से या किसी डिटर्जेंट और पाउडर से, ऐसे आंसू तुम्हारी आंखों में चमक रहे हैं इसी तरह सारे दाग धो देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात दो आंसू भी किसी की आंखों में देखे तो बस तकफार के दो नफिल भी अदा करे तो अल्लाह की जात तो माफ कर दे। मुझे बताएगा कि मुझे वुजू करना है, नमाज पढ़नी, किबला किस तरफ है, बाथरूम कहाँ है, कोई मुझे सुन सकता है? यार लाइए मैं किस मुश्किल में आ गई हूँ। तू मेरी इस नमाज को कबूल फरमा। मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ हूँ, किन लोगों ने मुझे यहाँ पर पकड़ लिया। मैं नहीं जानती कि मेरा कसूर क्या है, लेकिन तू मेरी मदद फरमा। या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल, इन मुश्किलात में मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दे। मामू जान परेशान हो रहे होंगे, मुझे घर पहुँचा दे, मेरे मालिक मेरा रास्ता आसान कर दे, मुझे बचा ले इन बुरे लोगों से, मुझे सब्र दे, मेरे लिए रास्ता आसान कर। अफनान, अफनान, तुम यहां क्यों सो रहे हो? रमशा आ गई है क्या? नहीं, अफनान उसको यहां रहना होता तो वो जाती ही क्यों? लेकिन उसकी वजह से तुम यहां क्यों सो रहे हो? चलो उठो, बेडरूम में आओ, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूं।
ठीक। भाईजान, आपका ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई हुआ हुआ है। आप रमशा की वजह से अपने आप को क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हैं? इस तरह तो आपकी तबीयत खराब होती चली जाएगी। पूरी रात आप नहीं सोए हैं भाईजान, प्लीज खुद पर जरा रहम कीजिए ना। अब रमशा चली गई है तो इसमें किसी का क्या कसूर है? क्या मतलब चली गई? कहाँ चली गई वो? जी बात करती हो तुम भी। भाईजान, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं ना, लेकिन ये सब करने से वो वापस तो नहीं आ जाएगी। प्लीज अपना ख्याल रखें। पूरी रात नहीं सोए हैं आप भाईजान, प्लीज सोने की कोशिश कीजिए। अफनानी है लीजिए। मामा, आपने तो कहा था कि रमशा के इस घर के जाने के साथ साथ मामूजान और अफनान के दिल से भी वो चली जाएगी, लेकिन वो दोनों बाप बेटे तो उसके जाने का शोक मना रहे हैं बैठकर। तुम टेंशन मत लो, जैसे मैंने कहा है वैसा ही होगा। कैसे टेंशन ना लो? आपको शायद मालूम नहीं है अफनान किस तरह बिहेव कर रहा है इस टाइम पर। वो तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे रमशा नहीं बल्कि उसकी बीवी चली गई है इस घर से। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अलीजे, तो तुम ना बहुत जज्बाती लड़की हो, तुम में सबर नाम की कोई चीज ही नहीं। सब कुछ होगा लेकिन वक्त के साथ साथ, फौरन सब कुछ नहीं हो सकता। असल में आपके लिए सब कहना बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि आपने अफनान को देखा नहीं है ना अभी तक, इसलिए।